जी हाँ, ओट्स मिल्क जो कैल्शियम रिच है, विटामिन रिच है, विटामिन है, इसमें फाइबर्स है, इसमें बहुत कम फैट है और ये बिल्कुल ही लैक्टोज फ्री है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ओट मिल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून ओट्स लेने हैं। ये हमने क्विक ओट्स लिए हैं जो आसानी से बाज़ार में मिल सकते हैं और आप किसी भी ब्रांड के ओट्स यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें पानी से अच्छी तरह से कवर कर देना है। लेवल तक पानी डालने के बाद आप इसमें चाहें तो 4 से 6 एलमंड्स भी डाल सकते हैं और इसके साथ इन्हें ओवन कर सकते हैं। हमने इन्हें ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया है। सुबह देखिए, हमारे जो पानी है उसे अच्छी तरह से सोख लिया है ओट्स ने। अब हमें इन्हें ब्लेंड करना है। उसके लिए हमें इन्हें ब्लेंडर में डालना है। ब्लेंडर में डालने के बाद आप इसमें जो भी अपने मनपसंद फ्लेवर है वो डाल सकते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन से फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कार्डमम 2 क्रश करके डाली है, साथ ही इसमें 1 चम्मच शहद हनी ऐड किया है और 2 ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। कितना स्मूथ ये टेक्सचर दिख रहा है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक बार फिर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। शुरू में ही पानी ऐड करने से अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, तो इससे ज़रूरी है कि आप पहले सिर्फ ओट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड करें और फिर उसमें पानी डालकर एक बार फिर से ब्लेंड करें इसे अच्छी तरह। एक बड़ा जो छलनी है सीव लेकर हमें सिफ्ट करना है, यानी छानना है अपने ओट्स को, ताकि जो छिलके हैं इलायची के वो इसमें ना जाएं। ये देखिए, हमारा ओट मिल बनकर तैयार हो गया है, जो कैल्शियम रिच है, मिनरल्स एंड विटामिन से भरपूर है, लैक्टोज फ्री है और कैलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत लो है, फैट लो है, सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं होता है ओट मिल के अंदर। इसीलिए जो डेली के यूज़ है उसके लिए परफेक्ट है। ये देखिए, जो हमने फ्लेवर्स आपको बताए थे, ये सारे फ्लेवर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आलमंड्स, पम्पकिन सीड, वॉलनट, हेजलनट, यहाँ तक कि पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं।